स्टेज पे जलवा फरोज उलमाए कराम शुराए जान आज की ज़ेर सदारत फरमा रहे मोहम्मद अली चेयरमैन साहब साबिक चेयरमैन और निजामत फरमा रहे असलम परवाना साहब और स्टेज पे जलवा फरोज बड़े भाई जनाब दिल खैराबादी साहब फारूक दिलकश साहब आइए मुकम्मल नाते पास कबले एक मतला एक बंद पेश कराऊं समाज फरमाए मतला पेश कराऊं समाज फरमाए नाते हमें गुनगुना नाते हमें गुनगुनाते रहे रात भरे मतला अगर आपको अच्छा लगे जहां अच्छा लगे वहां सुभान अल्लाह बोल सकते हैं मतला पेश कराऊं समाज फरमाए नाते हमें गुनगुनाते रहे रात भरे नाते हमें गुनगुनाते रहे रात भरे नाते हमें गुनगुनाते रहे रात भरे तुम सुनो हम सुनाते रहे रात भरे तुम सुनो हम सुनाते रहे रात भरे तुम सुनो हम सुनाते रहे रात भरे नाते हमें गुनगुनाते रहे रात भरे तुम सुनो हम सुनाते रहे रात भरे क्या कहने माशाल्लाह और कन्वीनर मुशारा शाहिद जमाल साहब पहला शेर उनके हवाले से पेश कराऊं समाज फरमाए रात भरी चांदियों ही चमकता रहे रात भरी रात भरी चांदियों ही चमकता रहे रात भरी चांदियों ही चमकता रहे रात भरी चांदियों चमकता रहे चांदनी में नहाते रहे रात भरे चांदनी में नहाते रहे रात भरे चांदनी में नहाते रहे रात भरे और ये भी शेर अता करे नवाजिश उनका रूए हसी उनका जिक्र हसी उनका रूए हसी उनका जिक्र हसी उनका रूए हसी उनका जिक्र हसी उनका रूए हसी उनका जिक्र जहनो दिले में बसाते रहे रात भरे जहनो दिले में बसाते रहे रात भरे नाते हमें गुनगुनाते रहे रात भरे आखिरी शेर थाम लो दामने मुस्तफा थाम लो थाम लो दामने मुस्तफा थाम लो थाम लो दामने मुस्तफा थाम लो जो है उन्हें को बताते रहे आइए हाजिर नाते पाक का एक मतला और दो तीन शेर पेश कराऊं समाज फरमाए जी अता करे नवाज़िश जी इंतखाब
भाई, आप हजरात से बहुत अदब के साथ एक दरखास्त है, आपके इस मिट्टी और आपकी जमीन का उभरता हुआ नौजवान जो मुस्तकबिल करीब में आपके वलीदपुर की नुमाइंदगी करना चाहता है, आपका ये मिजाज और जिस तरह आप समाप्त कर रहे हैं, यकीनन डाइस पे भी जो लोग तशरीफ रखते हैं उनकी ये शिकायतें हैं कि आज तक वलीदपुर की सरजमीन पर इस तरह खामोशी से मुशायरा नहीं सुना गया। इसमें पता नहीं आपने कौन सी कसम खा रखी है कि आप इतनी खामोशी से सुन रहे हैं। जरा सी जिंदगी अगर आप दें तो आपके सामने बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रहे हैं इंतखाब वलीदपुरी साहब। मैं ये चाहता हूं कि आप उनकी हिम्मत अफजाई के लिए आगे से पीछे तक एक एक शख्स अपने हाथों को उठाए और फिजा में लहरा के जोर से कह दें सुभान अल्लाह। एक मरतबे और कहें सुभान अल्लाह। जरा सा आप जिंदगी के साथ इंतखाब वलीदपुरी साहब को समाप्त कीजिए ताकि आपके मेहमान शायर आफ्ताब रहबर साहब कलकत्तवी आप तक पहुँच सके। इंशाअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया असलम भाई। नाते पाक का मतलब पेश कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह बोलेंगे। मतलब पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाए अता करें। अललान कहते हैं ये हमें सारे जमाने से, अललान कहते हैं, अललान कहते हैं ये हमें सारे जमाने से, अललान कहते हैं ये हमें सारे जमाने से, सारे जमाने से हमें है इश्क लाफानी, हमें है इश्क लाफानी मोहम्मद के घराने से, हमें है इश्क लाफानी मोहम्मद के घराने से। बहुत चेयरमैन साहब ये शेर जी ऐसा बड़े भाई शाहिद टीवीएस साहब तशरीफ फरमा है। पहला शेर पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाए अता करें। मुरादे पूरी होती है वहाँ पर हर सवाली की, मुरादे पूरी होती है वहाँ पर हर सवाली की, कोई जाता नहीं खाली नबी के आस्ताने से, नहीं खाली खाली नबी के आस्ताने से। और आखिरी शेर पेश कराऊं, समाप्त फरमाए अता करें। सहाबा ने लगाया नारे तकबीर का नारा, क्या कहने क्या कहने माशाल्लाह। असलम भाई मसला ये है, स्टेट खामोश जी, जब स्टेट खामोश, ये कहावत भी है, जब स्टेट खामोश रहेगा तो सामीन भी। आखिरी शेर पेश करके अपनी जगह ले ले रहा हूँ, समाज फरमा ले। सहाबा ने लगाया नारे तकबीर का नारा, दिल भाई शेर सुने। सहाबा ने लगाया नारे तकबीर का नारा, सहाबा ने लगाया नारे तकबीर का नारा, मुसर्रत थी उमर फारूक के इस्लाम लाने से।